Hi, my dear students, how are you? Welcome to the session. How's your preparation going or for IPMAT? I'm sure you're giving your heart and soul and working very, very hard. So, ab what Since there are just 60 days left for IPMAT, we are going to do some quick grammar capsule series where grammar important concepts which will really help you do well with the actual grammar based questions asked in IPMAT. We'll be covering all those rules, right? So, let's

क्लॉज जो एक्सप्लेशन को ऑफर करते हैं राइट सो दीज आर डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस वर्ड्स क्लाजिज दैट प्रोवाइड मोर डिटेल आई गिव यू सम एग्जाम्पल्स और यूजली मोडिफायर आप किस के पास रखते हैं जिस वर्ड या फ्रेज को मॉडिफायर एक्सप्लन करने की कोशिश करता है मॉडिफायर का प्लेसमेंट उसी वर्ड के नज़दीक होता है कैसे लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स जैसे आप ये एक एग्जाम्पल देखिए गेजिंग आउट द विंडो पॉल मिस द होमवर्क असाइनमेंट दैट प्रोफेसर जुर्मोस्की रोट ऑन द बोर्ड तो इस केस में मैं अंडरलाइन करती हूँ गेजिंग आउट द विंडो जो एक मॉडिफायर है और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है वो पॉल को डिस्क्राइब कर रहा है राइट right? तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है जो कह रहा है कि कौन विंडो के बाहर देख रहा है पॉल सो so, इस फ्रेज को आप नाम देते हैं मॉडिफायर और क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि पॉल देख रहा है आउट ऑफ द विंडो सो दिस इज मॉडिफायर और आप प्लेसमेंट करते हो मॉडिफायर का राइट नेक्स्ट टू वर्ड इट इज टेंडिंग टू और एक्सप्लेन या जिस वर्ड को वो डिस्क्राइब करना चाहता है मॉडिफायर का प्लेसमेंट उसके समीप होता है नियर बाय होता है लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल सैम गोबल्ड द सैंडविच विच वो सॉगी विथ टमेटो जूस एज ही रश टू द क्लास तो गॉबल मतलब फटाफट खा जाना है राइट अब इस केस में मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ये एक मॉडिफायर है जो कह रहा है विच वो सोगी विथ टमेटो जूस तो ये किसको रेफर कर रहा है ये सैंडविच को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो सैंडविच था वो सॉगी हो गया था गीला हो गया था क्योंकि टमेटो जूस था उसमें सो दिस इज अ मॉडिफायर और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है ये मॉडिफायर डिस्क्राइब कर रहा है सैंडविच को सो इट्स अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज तो मॉडिफायर्स क्या होंगे डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस हो गए राइट सो डिस्क्रिप्टिव फ्रेज है या फिर क्लॉज है या सेट ऑफ वर्ड्स है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक्सप्लेनेशन ऑफर करता है डिस्क्रिप्शन ऑफर करता है जैसे आप ये वाला सेंटेंस देखिए, एज द हरिकेन अप्रोच वी watched द ट्रीज branches वेविंग इन द strong ब्रीज तो वेविंग इन द strong ब्रीज इज अ मॉडिफायर और ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, वॉट वॉज वेविंग और शेकिंग और मूविंग इन strong ब्रीज Tree branches, so this is a modifier और जिसको arrow point out कर रहा है उसको वो explanation offer कर रहा है right so इस तरह के concept है यानी कि very similar to the concept of adjectives and adverbs description offer करता है right तो अब आपको exam में कैसे question मिलता है exam में आपके लिए एक concept आता है जो test होता है उसको बोलते हैं misplaced modifier right तो हमें PYQs में misplaced modifier के questions दिखते हैं IIPAT के तो solid important कॉन्सेप्ट है तो कई बार क्या होता है मॉडिफायर का जो प्लेसमेंट है या पोजीशन है आप उसको सही नहीं रखते हो तो अगर आप उसकी प्लेसमेंट सही नहीं रखते तो वो किसी और वर्ड को जिसका वो टारगेट नहीं होता उसको मॉडिफाई कर देता है और एक एरर क्रिएट करता है ऑफ मिसप्लेस मॉडिफायर टू मच टेक्निकलिटी एक एग्जाम्पल से समझते हैं ठीक है तो मैं पहले आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ तो मैंने आपको कहा बोरिंग एंड डल आई ऑप्टेड आउट ऑफ द सेशन राइट तो इस केस में तुम इस सेंटेंस को अगर पहली बार रीड करोगे तुम कहोगे ये सेशन बोरिंग और डल था मैं बाहर निकल आई यही इंटरप्रेट करोगे राइट right? बिल्कुल सही है अब आप देखो जब हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए तो हमने क्या कहा था मॉडिफायर किसके पास होना चाहिए जिस वर्ड को वो एक्सप्लेन कर रहा है राइट जैसे गेजिंग आउट ऑफ द विंडो वाला एग्जाम्पल लिया था तो पॉल गेज आउट कर रहा था तो मॉडिफायर पॉल के नज़दीक था इस केस में सैंडविच था सॉगी विद टमेटो जूस तो विच वो सॉगी विद टमेटो जूस जो मॉडिफायर है वो सैंडविच के नज़दीक था अब इस केस में तो वाला के नजदीक था अब इस केस में तुम देखो बोरिंग एंड लिटिल डल मॉडिफायर है है ना तो ये किसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये करना तो सेशन को चाह रहा है पर इसका प्लेसमेंट किसके नजदीक हुआ है आई के तो सेंटेंस के हिसाब से जो एक्चुअली लिखा हुआ है लिटरल मीनिंग लें तो इसका मतलब ये है कि बोरिंग और डल क्या था मैं थी क्लास नहीं जबकि हम आइडियली लॉजिकली क्या कन्वे करना चाहते हैं कि जो सेशन था वो बोरिंग एंड डल था तो ये मॉडिफायर है इसको तुमने सही जगह पे प्लेस नहीं किया तो तुमने कहा भाई तेरा प्लेसमेंट सही नहीं है तो यू आर मिस

ओशन में चर्न कर रहे थे नहीं ना हम तो नहीं कर सकते क्या कर रहा था हरिकेन कर रहा था तो सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा आप ये जो इन द अटलांटिक वाले मॉडिफायर को हरिकेन के नजदीक ले आइए यानी सेंटेंस आप कुछ ऐसा बना लीजिए करेक्ट करने के लिए वी एंशियसली वॉच द वेदर रिपोर्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द हरिकेन चर्निंग इन द एटलांटिक ओशन राइट तो हमने कैसे करेक्ट किया ये मॉडिफायर को यहां से उठाया और कहां पे प्लेस कर दिया हरिकेन के बाद चर्निंग इन द एटलांटिक ओशन तो हमारा एरर क्या है रेक्टिफाई हो गया ठीक है सो ये मॉडिफायर उठाओ यहाँ से सेंटेंस से उठाया और हरिकेन के बाद प्लेस कर दिया सो रीअरेंजिंग सेंटेंस पार्ट्स विल ऑफन फिक्स अ पार्टिलस मॉडिफायर ठीक है तो कीप द मॉडिफायर एज क्लोज टू देयर टारगेट एज पॉसिबल जैसे चर्निंग एन एटलांटिक टारगेट क्या था किसको मॉडिफाई करना चाहता हरिकेन को तो हमने क्या किया मॉडिफायर का प्लेसमेंट हरिकेन के नजदीक कर दिया समझे चलो एक और एग्जाम्पल से देखो रेमंड वोर हिज वन कॉलर्ड शर्ट टू द जॉब इंटरव्यू फॉर्चुनेटली स्टेंड विद येल्लो मस्टर्ड तो ये विच वॉज अनफॉर्चुनेटली स्टेंड स्टेंड मतलब धब्बा लगा हुआ था येल्लो मस्टर्ड मतलब हल्दी का धाग तो ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है इंटरव्यू को इंटरव्यू पे धब्बा नहीं लग सकता शर्ट पे धब्बा लगा हुआ था राइट तो तुम इसको कैसे करेक्ट करोगे मॉडिफायर को उस टारगेट के नजदीक रख दो जिसको वो मॉडिफाई करना चाहता है तो कैसे रेमंडल शर्ट विथ वॉज स्टैंड अनफॉर्चुनेटली स्टैंड विथ येलो मस्टर्ड टू द जॉब इंटरव्यू समझे बात को अब थर्ड एग्जाम्पल देखो प्रोफेसर जोन हु वॉज लेट विद अनदर ऐसे वेटेड फॉर द स्लैकर स्टूडेंट स्लैकर मतलब जो लेट लतीफ होता है लेजी होता है काम जिसका लटकता रहता है तो प्रोफेसर जो स्लैकर स्टूडेंट के लिए वेट कर रहे थे राइट तो सेंटेंस करेक्ट कैसा होगा प्रोफेसर जोन्स वेटेड फॉर द स्लैकर स्टूडेंट Who was late with another essay? ठीक है तो प्रोफेसर जोन्स वेट कर रहे थे किसका स्लैकर स्टूडेंट का तो उसके हिसाब हिसाब से late, इसके से हु लेट लेट इसके प्रोफेसर है नहीं नहीं प्रोफेसर जोन्स नहीं थे स्लैकर स्टूडेंट लेट था राइट तो आपने देखा कैसे इंटेंटेड मीनिंग को टारगेट कर देता और सिंपल है आप क्या करेंगे रीअरेंज कर दीजिए और मॉडिफायर को राइट नेक्स्ट टू द टारगेट प्लेस कर दीजिए राइट अब मॉडिफायर्स मिसप्लेस मॉडिफायर सीख ले तो एक और ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं मजा आएगा आपको सीखने में इसको बोलते हैं हम डैंगलिंग मॉडिफायर ठीक है तो डैंगलिंग मॉडिफायर क्या होता है जैसे तुम ये सेंटेंस सीखो विद ऑफ प्लेजर कंजम्पन ऑफ क्यूक्यूम्बर सैंडविच कमेंड कमेंड मतलब बिग्न साई ऑफ प्लेजर मतलब तुम खुश हो गए कौन खुश हुआ कौन इस सेंटेंस में खुश हो रहा है ठीक है सो इन दिस केस अब कौन है इज हैविंग अ स्लाइव कौन सैंडविच देख के खुश हुआ हमें पता ही नहीं राइट सो दिस इज वेयर अ मोडिफायर इज देअर पर टारगेट ही नहीं है मॉडिफायर किस को एक्सप्लेन कर रहा है वो टर्म ही नहीं है एक और एग्जाम्पल देखो वाइल्ड स्लीपिंग द फोन रैंग तो इस केस में कौन सो रहा है हमें तो पता ही नहीं फोन तो नहीं सो रहा राइट अब वो जोक मत मारना कि मैम फोन को हमने स्लीप बोर्ड में रख दिया था नहीं हु स्लीपिंग वी डू नॉट नो टारगेट इज मिसिंग तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर मिसप्लेस मॉडिफायर में टारगेट है मॉडिफायर भी है पर मॉडिफायर टारगेट के नजदीक नहीं है डैंगलिंग मॉडिफायर में मॉडिफायर है पर टारगेट नहीं है तो आप इस एरर को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे टारगेट इंट्रोड्यूस कर दो राइट right? जैसे तुमने कहा ये तुम्हारा ओरिजिनल सेंटेंस था विद ऑफ प्लेजर कंजम्शन ऑफ क्यूक्यूम्बर सैंडविच कमेंड कमेंस मतलब बिगेन राइट right? तो हमने क्या किया इसमें हमने रोनाल्ड को या आप चाहते तो आप जूही को ऐड कर देते खुद को ऐड कर देते विद ऑफ प्लेजर रोलांड बिगेन टू कंज्यूम सैंडविचेस ठीक है आफ्टर रोलांड साइड विद प्लेजर तो मल्टीपल तरीके से हम कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि हु वॉज एट द साई ऑफ प्लेजर तो आपको एक आंसर चॉइस में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता दिखेगा जो मॉडिफायर का टारगेट बन जाएगा आपको सेंटेंस में क्लैरिटी मिल जाएगी और आपका रेक्टिफाई हो जाएगा so, जैसे इस केस को आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते थे आप ऐसे रेक्टिफाई कर सकते थे वाइल एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते वाइल स्नेहा वॉस स्लीपिंग द फोन रैंग राइट right? तो so, आपने एरर को रेक्टिफाई कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बस इतना इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट एंड यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स राइट सो इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना छोटा सा नोट मिसप्लेस मॉडिफायर और डैंगलिंग मॉडिफायर का अपनी नोटबुक में बना लेना ग्रामर जब भी पढ़ते हैं आपने जो भी कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किया उसके अपने एग्जाम्पल्स लिखते हैं राइट right? एसोसिएट करते हैं नोट्स बनाते हैं इससे वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में फ्रेश रहता है राइट right? और अब आपके पास टाइम कम है तो इम्पॉर्टेंट क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ रखना आत्मविश्वास रखना कि हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं टॉप आइम्स में पहुंच सकते हैं और इस विश्वास दिवस पर हम फिजिक्स वाला भी आपको विश्वास देता है अपने सपनों को पूरा करने का सो आर लॉट ऑफ अमेजिंग ऑफर्स गो चेक दैम नाउ एंड कीप वर्किंग हार्ड ऑल द बेस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ बाय बाय